ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। बहुत पुराना मंत्र है क्लीम का, जो कि देखते ही देखते आपके मनोरथ सिद्ध कर सकता है। लगभग 12 साल पहले ये मैंने आपको बताया था, और तब से लेकर अगर अब तक मैं देखूं, तो इस मंत्र ने अपना काम बखूबी किया है। क्लीम मंत्र जो है बीज मंत्र की श्रेणी में आता है, और ये इतने प्रभावी होते हैं कि जहाँ पर भी आप इसे लगा दें, अपना काम पूरा कर कर ही वापस आते हैं। तो जब कभी कोई बीज मंत्र लगाएं, तो उसमें अपना पूरा विश्वास रखें कि ये आपका काम बनाएगा। ऐसा करके आप उस बीज को बो दीजिए, इसके बाद जो फल लगेगा वो इतना मधुर होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बस इसमें आपको विश्वास दिखाना होगा। तो ये जो मंत्र है, ये मैंने लगभग 12 साल पहले YouTube पे पब्लिश किया था, और उसके बाद से इसकी जो मैंने तारीफ़ें सुनी वो बहुत ज़्यादा थी। तो अभी जो है वो मैं कुछ ऐसे मंत्र बता रहा हूँ जो कि पॉपुलर थे उस समय से लेके अभी तक, और इन्होंने न जाने कितनों का काम बनाया है। ये जो क्लीम मंत्र होता है, ये होता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, भौतिक सुखों के लिए, ऐश्वर्य के लिए, पैसे के लिए, और किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। जब भी आप किसी को आकर्षित करना चाहें, तो इस मंत्र से उसे वशीभूत कर सकते हैं। मंत्र सुनिएगा, क्लीम काम देवाय अमुक का नाम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से, क्लीम काम देवाय साध्य का नाम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब जहाँ पर भी अमुक या साध्य आया है, वहाँ पर आपको अपने जिसको भी आप आकर्षित करना चाहते हैं उसका नाम लेना है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पति हो, जिसको भी आप आकर्षित करना चाहें अपनी ओर, जिसको भी आप इन्फ्लुएंस करना चाहें अपनी बातों से, ताकि वो देखते ही साथ आप जो भी कहें उसको आंख मूंद कर मान ले, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे कोई भी हो, जिस पर भी आप अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, बस ये मंत्र रटते रहिए उसके नाम के साथ। तो ये प्रकृति कुछ ऐसा बदलाव करेगी कि जो सामने वाला बंदा है वो सिर्फ आप ही की बात सुनेगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो इस मंत्र को किस तरह से करना है उसकी विधि जान लीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र को जपना होता है 2 माला, और संध्या काल में जब 2 पहर मिल रहे हो, एक शाम का और एक दोपहर का, जब शाम आने वाली हो और दोपहर जाने वाला हो, उस समय पे इस मंत्र को 2 माला जाप कीजिएगा। तो ये सुबह शाम कीजिएगा, और 41 दिनों तक ये साधना आपको करनी है। यदि बीच में 1-2 दिन में काम बन जाए तो साधना रोकनी नहीं है, 41 दिन पूरे कीजिए। और यदि आपका जो मनोरथ है वो सिद्ध हो जाता है, आपको जो चाहिए था वो मिल जाता है, तो मुझे एक कॉल करना ना भूलें, और थोड़ी सी दक्षिणा जो है आप मुझे इसी नंबर पर पेटीएम कर सकते हैं। धन्यवाद।